हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आप ये देखिए, 17 इंची CRT मोनिटर का जो पिक्चर ट्यूब है, इसका अंदर देखिए एक चाइना PCB है। तो ये जो पिक्चर ट्यूब बहुत ही पुराना हो गया, तो इसीलिए टीवी पर सप्लाई देने के बाद इसका अंदर जो लाइट ओके आना चाहिए, लाइट बहुत कम है। मैं पिक्चर देख के ही रखा है, आप देख सकते हो इसका अंदर पिक्चर बहुत ही हल्का सा देखा जाता है। चलिए मैं लाइट ऑफ करके आपको एक बार दिखाता हूँ। देखिए लाइट बहुत ही हल्का सा ही देखा जाता है। तो मैं वीडियो लाइन स्टॉप कर दिया, तो इसीलिए मैं दोबारा वीडियो लाइन देने के बाद देखिए इस तरह इसका पिक्चर देखा जाता है, कुछ भी क्लियरिटी नहीं है। साउंड दोस्तों देखिए बिल्कुल ओके है। तो चलिए मैं साउंड को म्यूट कर देता हूँ। साउंड को मैं म्यूट कर दिया क्योंकि साउंड का बजाय कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है, इसीलिए दोबारा लाइट ऑफ करके आपको दिखाता हूँ। देखिए लाइट बहुत कम है और भूतुरे जैसा पिक्चर ये देखा जाता है। तो दोस्तों, एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम के लिए कुछ भी एक टेक्नीशियन बताता है कि इसका पिक्चर ट्यूब फॉल्ट है, तो चार्ज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरा पास सब कुछ है, चार्जर भी है, तो फर्स्ट कंफर्म करना पड़ेगा कि पिक्चर ट्यूब का फॉल्ट है क्या। तो इसीलिए ESD भी फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम ESD भी फॉल्ट हो सकता है, इसीलिए ESD का G2 पिन, फोकस पिन सब कुछ घुमा के देखना पड़ेगा। घुमाने के बाद इसका सब कुछ वेरी होने लगता है, स्क्रीन पर लाइट कम ज़्यादा ये भी देखा जाता है। तो लगता है कि इसका ESD ओके है। तो पिक्चर ट्यूब चार्ज करने का पहले ज़रूर इसका जो बेस है, ये बेस को एक बार चेंज करके दिखना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए, आपका सामने में इसका सप्लाई ओपन करके इसका जो बेस है, ये बेस को ओपन करके दिखाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिए, न्यू टेक्नीशियन का अलग सा एक नॉलेज मिल जाएगा, ज़रूर नॉलेज मिल जाएगा, अलग सा एक नॉलेज, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप करके आप पूरा वॉच कीजिए। देखिए आपका सामने ही मैं इसका बेस को मैं ओपन करूँगा। और दोस्तों, ये 17 इंची वाला पिक्चर ट्यूब होता है, तो इसीलिए ये जो पिक्चर ट्यूब का पिन फंक्शन थोड़ा अलग होता है। आपको फर्स्ट यही दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये जो 17 इंची वाला पिक्चर ट्यूब का, इसका जो फोकसिंग पिन 2 होता है, आप ध्यान दीजिए, इसका जो फोकसिंग पिन 2 होता है, तो इसीलिए इसका बेस भी अलग होता है। लेकिन मार्केट का जो चाइना किट मिलता है, उसका साथ 2 फोकस पिन बेस नहीं मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो बेस है, देखिए 2 फोकस पिन वाला, ये सभी जगह पर नहीं मिलता है। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, ये जो पिक्चर ट्यूब है, पिक्चर ट्यूब का जो काला वाला बेस देखा जाता है, देखिए जो पिक्चर ट्यूब का साथ कनेक्शन है, इसका नीचे साइड को देखिए, नीचे साइड को आपको कट करना पड़ेगा। आप सावधानी से करना पड़ेगा, और वो ब्लैक वाला बेस को ओपन कर पाओगे तो बहुत ही अच्छा होगा, और वो बहुत गम से टाइट मिलेगा। तो आप इस तरह आयरन से, हीट आयरन से इसका नीचे साइड, जो ब्लैक वाला जो बेस देखा जाता है पिक्चर ट्यूब का साथ, आपको ये आउट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये आयरन से आपको हीट करके आउट करने के बाद चाकू और जो छोड़ा आप यूज़ कर सकते हो उसको फ्रेश करने के लिए, ठीक है। तो मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा, मैं थोड़ा सा वीडियो को कट करूंगा क्योंकि इस तरह सावधानी से करने के लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो कोई बात नहीं, तब भी आपको पूरा प्रोसेस दिखाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और देखिए मैं ये छोड़ा लेके इसको मैं फ्रेस करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए मैं ये चाकू लेके फ्रेस किया, फ्रेस करने के बाद ये जो राउंड साइड होता है, ठीक है, इसका नीचे आपको बहुत ही फ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। मैं फ्रेश किया, फ्रेश करने के बाद आपको एक अलग सा बेस यहाँ पर कनेक्शन करके देखूँगा। इसका ऊपर साइड कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, वो आप रखिए, तब आप आसानी से उसके एडजस्टिंग कर पाओगे, ठीक है। सिर्फ आपको ये नीचे साइड को प्लास्टिक को कट करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों जो प्लास्टिक का साइड होता है उसका नीचे साइड। और देखिए ये सिंगल फोकस पिन का एक बेस है मेरा पास, ठीक है। तो इसी टाइप बेस मैं कनेक्शन करूँगा क्योंकि ये बेस सभी जगह पर मिल जाता है, ठीक है। तो इसका जो कनेक्शन होगा, ये जो 2 फोकस पिन, इसका ऊपर वाला पिन का अंदर, ये जो ऊपर वाला पिन देखा जाता है, वो पिन ये जो बेस का मिडिल पिन का साथ
वो इन होगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो किस तरह ये होता है आपको बहुत सावधानी से दिखाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, और मैं एक हाथ से कैमरा करते करते मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। तब भी मैं आप सबको दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा वीडियो को कट करके आपको दिखाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, बेस तो मैं लगाया, आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये जो बेस का, ये जो ब्लैक वाला जो बेस है पिक्चर ट्यूब का साथ, वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब ये पोजीशन को ध्यान दीजिए, इस तरह आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पोजीशन को मैं आपको और क्लियर करके समझाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये जो पिन है मिडिल पिन, इसका ऊपर ये जो गैप होता है, ये गैप का अंदर ये जो पिक्चर ट्यूब का नीचे वाला पिन है ये चला जाता है। दोस्तों मन में लगेगा कि नीचे वाला पिन कुछ भी काम पर नहीं आएगा, जरूर आएगा, आप ये वीडियो पूरा देखिए। तो दोस्तों देखिए ये जो एडजस्ट किया, ये सही से एडजस्ट हुआ है कि नहीं, ये भी आप कंफर्म कर सकते हो। इसलिए मैं दोबारा एक बेस लगाया, ठीक है। बेस लगाने के बाद आपको जो देखना पड़ेगा ये बेस का जो अलग अलग पिन है, तो दोस्तों ये बिग नेक का पिक्चर ट्यूब है, तो इसका लास्ट पिन ये ओपन रहता है, और उसके बाद जो द्वितीय दो नंबर पिन या कैथोड पिन होता है, और उसके बाद तीन चार जो ये फिलामेंट का पिन होता है। तो ये फिलामेंट पिन को आपको चेक करना पड़ेगा कि ये बेस सही से तीन चार पिन के साथ कनेक्शन हुआ है कि नहीं। तो इसीलिए देखिए मीटर को इस तरह बार्जर रेंज पर रखना पड़ेगा, और बार्जर रेंज पर रखने का बाद आपको दिखाता हूँ, आप थोड़ा रुकिए। ये देखिए तीन और चार नंबर पिन के साथ आपको क्वांटिटी मिलना चाहिए, थ्री और फोर ओम्स का आसपास जो फिलामेंट होता है, ठीक है, जो हीटर होता है पिक्चर ट्यूब का। तो ये तो कॉन्फर्म हो गया कि इसका बेस कनेक्शन सही हो गया सॉरी। तो उसका बाद चलिए जब ये कॉन्फर्म हो गया तो ये अलग सा एक बेस है, ये मैं आपको दिखाने के लिए इस तरह सब कुछ किया, ठीक है। तो जब फिलामेंट सप्लाई ओके देखेगा तो और डरने का कोई बात नहीं, आप आसानी से सिंगल फोकस पिन वाला बेस, आप दो फोकस पिन वाला बेस का जगह पर यूज़ कर सकते हो। इसीलिए दोस्तों देखिए लास्ट में देखिए ये जो दो फोकस पिन होता है, दो फोकस पिन को आपको एक वायर लेके शॉर्ट करना पड़ेगा। देखिए मैं दो फोकस पिन को मैं शॉर्ट किया, आप ये शॉर्ट नहीं करेगा तो पिक्चर का क्वालिटी वो सही नहीं आएगा, धुआं धुआं और घोला घोला जैसा देखा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए दोनों पिन को शॉर्ट करना पड़ेगा, करने के बाद आप आयरन से ये दो पिन को सोल्डरिंग कर दीजिए, क्योंकि कभी लूज ना हो जाए, ये लाइफ टाइम इस तरह ही रहेगा और इसी तरह ही चलेगा। और देखिए इसी का बाद मैं ये देखिए बेस बोर्ड के अंदर सिंगल बेस लगाया, ठीक है, ये पुराना बेस है। तो चलिए ये बेस को मैं कनेक्शन किया, कनेक्शन करने के बाद चलिए मैं आपको वीडियो लाइन देख के दिखाना चाहता हूँ कि इसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। और प्रॉब्लम सॉल्व देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो दोस्तों बेस लगाने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो ज़रूर आपको पिक्चर ट्यूब को चार्ज करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों मन में लग रहा है कि जो टेक्नीशियन ने रिपेयर करने के समय देखा कि इसका बेस भी कुछ भी सल्फर बेस का अंदर नहीं देखा, और वो डायरेक्ट बात है कि इसका पिक्चर ट्यूब फॉल्ट है, और लग रहा है कि उसका पास ये बेस नहीं है, तो ये हो सकता है। और ये बेस नहीं है तो उसका नॉलेज में ये नहीं है कि वहाँ पर सिंगल फोकस पिन वाला बेस चल जाएगा, तो यही वो रीजन हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो तब भी आपको वीडियो देख के दिखाता हूँ कि देखिए इसका वीडियो देखिए बिल्कुल ओके आ गया, बट आपको ध्यान देना वाला बात है कि इसका पिक्चर का क्वालिटी रेड टाइप देखा जाता है, जो ओरिजिनल कलर होना चाहिए ये नहीं है। तो दोस्तों क्या लगता है, लेकिन इसका जो बेस प्रॉब्लम ये तो सॉल्व हो गया, तो इसका अलग सा कलर फॉल्ट है। तो दोस्तों ये वीडियो में जो आपको इन्फॉर्मेशन शेयर किया, आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अब नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, और जो दोस्त ने पहले से ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है वो सभी दोस्त को मैं थैंक यू देना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो के अंदर आप जरूर कमेंट कीजिए कि ये जो रेड कलर प्रॉब्लम है ये कौन सेक्शन का फॉल्ट है, और कौन पार्ट्स प्रॉब्लम से भी हो सकता है, इसका ऊपर मैं नेक्स्ट एक वीडियो दे दूंगा। तो दोस्तों चलिए इसका सप्लाई मैं ऑफ कर देता हूँ, और आपका और कॉन्फर्म करके दिखाना चाहता हूँ कि देखिए अभी इस टाइम जो पिक्चर देखिए आपको देखा है, इसका ये जो बेस है देखिए ये सिंगल फोकस पिन वाला बेस ही मैं लगाया, और इसका पुराना बेस देखिए ये इसका पुराना बेस है। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखने के लिए, और दोस्तों आप जरूर कमेंट कीजिए कि ये जो रेट
प्रॉब्लम है, ये कौन पार्ट्स प्रॉब्लम से भी उससे हो सकता है। थैंक यू।